my very experience to it is long time plasma energy, cells and tissues. And today we are going to discuss about cytoskeletons. How many cells do we need to be the animal cell? The eight cell membrane. Or is the bad हम बाउंड कर रहे थे तो साइटोप्लाज्म सेल की आउटर बाउंड्री के बाद हमने उसका इंटरनल मैटेरियल डिस्कस कर लिया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द शेप ऑफ सेल इज मेंटेन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कौन से ऐसे बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर आपके सेल मेंब्रेन सेल वॉल आर ऑन देयर प्लेसेस एंड दे आर गिविंग शेप टू द सेल either a animal cell or a plant cell. So, these structures go up cytoskeletons. These are the cytoskeletons or cytoskeletons which are cell organelles. These cell organelles are the animal cell or plant cell module. First, they were discovered by Nicolae Colso. Nicolae Colso was discovered here tha, and discovered by Nicolae Colso. उनका अगर definition की बात करें, उनकी proper statement की बात करें, तो आप cytoskeletons को भी कह सकते हैं spore network of fine fibers. Spore which spore network एक network बना हुआ है of fine fibers. Fine fibers का एक network है जो किसी shape किसी structure को support कर रहा है. These are cytoskeletons. अब अगर इनके फंक्शन की बात करें तो डेफिनेशन में हम बात भी कर चुके दीज आर स्पोर्ट तो सबसे पहला फंक्शन जो स्पोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड नेक्स्ट अगर आप दूसरे फंक्शन की बात करें दे प्रोवाइड शेप टू द सेल देखिए ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये आपके सेल की और दीज आर साइटोस्केलेटन्स दे आर प्रोवाइडिंग द शेप दे आर प्रोवाइडिंग द स्पोर्ट to the upper sky of the cell membrane. Cell membrane को मैंने अपनी जगह पर support किया हुआ है. आप इसकी example भी ले सकते हैं. जब भी एक छप्पर बनाया जाता है या भी आप roof की छतरी करते हैं this one, तो आप उसके नीचे bases लगाते हैं ताकि आपकी वो गिर ना जाए. तो in the same way, these are bases, these are supports of the roof of your room. तो वर कैसे करती है सपोर्ट करती है और शेप प्रोवाइड करती है दीज फाइबर जो आप देखते कर सकते सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर्स दीज आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स माइक्रोट्यूब्स माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अब इनको इलैबोरेट करते हैं वन बाय वन व्हिच आर माइक्रोट्यूब्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखिए ये आपकी है सेल मेंब्रेन दिस वन इज सेल मेंब्रेन And this one is also cell. These structures, these fibers are your micro cytoskeletons. अब इनमें microtubules कौन से हैं और microfilaments कौन से हैं हमें लेना पड़ेगा. These structures which are quite thicker are microtubules. सबसे पहले तो ये thickest होती है. Thickest filaments in the cytoskeleton. आर योर माइक्रोट्यूब्स अब ये बने किस प्रोटीन के होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होते हैं दीज आर कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड ऑन द अदर हैंड आपकी जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये थिनेस्ट होते हैं दीज येलो कलर फाइबर्स आर थिनेस्ट एंड दीज आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन आर एक्टिव ये आपके सेल को सपोर्ट किए हुए हैं वी आर सपोर्टिंग द सेल मेंब्रेन ऑफ योर सेल In the same way, they also support the organelles to be their places. So, उनको अपनी जगह पर रखने के लिए ये support करती है. तो आज हमने discuss किया cytoskeleton. Nicolae Colso ने discover किया था. अगर definition की बात करें तो supporting network of fine fibers is called cytoskeleton. Function की बात करती है. तो आपका support provide करती है. और आपके सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है थ्री टाइप्स की फाइबर्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं आप तो थिकेस्ट इन दोनों में से
ये सुपेस्ट होती है वो आपकी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है एंड प्रोवाइड द स्पोर्टिंग इंजन के लिए आपकी ब्लड सेल में जो स्पोर्ट कर रही है. लेकिन दीज आर स्पोर्टिंग इन बिटवीन दीज फाइन फाइबर, ये छोटी फाइबर के अंदर मजीद स्पोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो अपनी प्लेस पर है. माइक्रोफिलामेंट्स फिलामेंट्स की बात करते हैं तो ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है और फिनेस्ट होती है. फिनेस्ट ऑफ द थ्री डिजीज माइक्रोफिलामेंट, तो ये भी आपके पास साइटोस्केलेटन. नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स तब तक देखिएगा अपना ख्याल. स्टे ब्लेस्ड.